हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ये सप्लाई क्या चीज़ होती है? देखिए, हर एक टैक्स लगने के लिए एक एक्टिविटी होती है जो टैक्सेबल होती है। जैसे जब आप इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, कभी सेल करते थे तो सेल टैक्स लगता था, वैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो टैक्सेबल एक्टिविटी है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। मतलब आप गुड्स की सप्लाई करें या सर्विस की सप्लाई करें या दोनों को मिक्स करके सप्लाई करें, वो जो एक्टिविटी है उस पर आपका GST लगेगा। टैक्सेबल सप्लाई को सेक्शन 2108 में डिफाइन किया गया है और इसमें कहा गया है कि टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर लाइबल टू टैक्स अंडर दी GST एक्ट, जिसको कि GST एक्ट में टैक्स लगाया जा सकता है। टैक्सेबल सप्लाई देखिए कब होती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो 6 कंडीशंस हैं उनका सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। पहली कंडीशन तो बहुत ही ऑब्वियस है, जो मैंने आपको बताई कि उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ दोनों किसी न किसी कंडीशन में होना चाहिए। अगर सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सप्लाई हो वो एक कंसिडरेशन की वजह से होनी चाहिए, मतलब उसका कुछ पैसा मिलना चाहिए, उसमें कोई ना कोई लेन देन इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस बनाए हुए हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सप्लाई है वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, एक बिजनेस को बढ़ाने की एक दिशा में होना चाहिए। अगर आप मान लिया गरीबों को फ्री में खाना खिलाते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, आपका कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सप्लाई जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, जो इंडिया जिसको हमने डिफाइन किया है, जो टैक्सेबल टेरिटरी गवर्नमेंट ने डिफाइन की है GST एक्ट के अंदर, उसके अंदर अगर एक्टिविटी होगी तभी उसको हम टैक्सेबल मानेंगे। पांचवी कंडीशन है कि जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, मतलब उस पर कुछ टैक्स लगना चाहिए। मान लिया उस पर ऑलरेडी एग्जम्पशन है या उस सप्लाई को डिक्लेयर किया गया है कि वो सप्लाई नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोई भी उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। और उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सप्लाई जो है वो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा की जानी चाहिए। जैसे अगर भारत सरकार कोई सप्लाई कर रही है तो उसको हम टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। तो जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो जब सप्लाई करेगा तभी उसको हम टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सप्लाई है उसका क्या मतलब होता है। देखिए, GST एक्ट में सप्लाई वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हमें सबसे पहले इसकी जो जनरिक मीनिंग है या जो कॉमन सेंस की मीनिंग है, जनरल मीनिंग जो डिक्शनरी आदि में दी हुई है, उसको समझना पड़ेगा। बिजनेस डिक्शनरी में सप्लाई का मतलब ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेज एट एनी स्पेसिफाइड प्राइस। इसका मतलब कि कोई सामान हो या कोई सर्विस हो, अगर वो अवेलेबल फॉर परचेज है, उसको कोई खरीद सकता है मार्केट में, तो हम उसको सप्लाई कहेंगे। अगर हमने वो चीज़ घर में रखी हुई है तो वो सप्लाई नहीं होगी। हमने उसको मार्केट में रख दिया कि कोई आदमी को पैसा दे खरीद ले, तो वो सप्लाई है। इसी तरीके से जो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसके अंदर सप्लाई को डिफाइन किया गया है टू मेक अवेलेबल फॉर यूज़, मतलब उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं कि लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक जनरल डेफिनेशन हुई, लेकिन हमारा जो एक्ट है GST एक्ट है उसमें सप्लाई की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है। कहने का मतलब ये है कि जनरल तो डेफिनेशन लगेगी, लेकिन ये जो आइटम्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं, जो चार हम कंडीशंस आपको बताने जा रहे हैं, अगर वो इसके अंदर फॉल करता है तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी, चाहे वो जनरल डेफिनेशन में नहीं भी ठीक से कवर होती हो। तो सबसे पहले बात तो ये हुई कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ जो है वो सेल में हो, ट्रांसफ़र में हो, बार्टर में हो, एक चीज़ आपने दी एक चीज़ ली, एक्सचेंज में हो, लाइसेंस की वजह से हो, रेंटल हो, लीज हो या डिस्पोजल हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो या तो एग्रीड टू मेक भी हो, मतलब कि हमने बातचीत कर ली कि हम इसको आपको साल भर बाद सप्लाई करेंगे और पैसा हमने ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने सप्लाई कर दिया। तो सप्लाई या तो कर दी जाए या फिर एग्री कर दिया जाए कि हाँ हम सप्लाई करेंगे, इस कंडीशन में भी इसको सप्लाई माना जाएगा, और उसके लिए एक कंसिडरेशन होना चाहिए, और ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है जो कि हमने पहले चर्चा की हुई है।
उसी तरीके से जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अगर आप बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो वो किसी कंसिडरेशन के साथ में होनी चाहिए, चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो। इसका मतलब अगर बाहर से आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं और उसमें कोई पैसा पे नहीं करते हैं तो सप्लाई नहीं माने जाएगी। गुड्स के लिए कंडीशन नहीं है, अगर बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया गया, किसी ने गिफ्ट किया, किसी ने फ्री में दिया, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सर्विस अगर आपने इंपोर्ट किया जो कि फ्री में है और उसमें कोई भी जो है कंसिडरेशन नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो एक्टिविटीज मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट द कंसिडरेशन, मतलब कोई भी चीज़ जो है अगर आप बिना कंसिडरेशन के भी कर रहे हैं उसको सप्लाई माना जाएगा, अगर वो शेड्यूल वन में स्पेसिफाइड है जीएसटी एक्ट के। अब शेड्यूल वन में कौन सी चीज़ें स्पेसिफाइड हैं, जैसे कि रिलेटेड पर्सन्स हैं। अगर मान लिया कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई चीज़ फ्री में मुहैया कराई तो सप्लाई मानी जाएगी। एक आदमी ने अपने रिश्तेदार को, दो भाई की कंपनी, एक भाई ने दूसरे भाई को दे दिया, वो भी सप्लाई मानी जाएगी, चाहे उसमें कोई भी पैसे का आदान प्रदान नहीं होता। जो चौथी इंक्लूसिव डेफिनेशन है सप्लाई की, उसके अंदर ये कहा गया है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मानेंगे अगर वो शेड्यूल टू में स्पेसिफाइड हैं। देखिए, इसमें वो सर्विसेज हैं जिसको कि बड़ा मुश्किल है कहना कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं कि नहीं है। जैसे मान लिया आपने कोई मकान है उसको किराए पे दे दिया। अब मकान को अगर आपने किराए पे दे दिया तो आप कौन सी सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस बारे में बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे मैटर डिस्कस किए गए, कोर्ट्स में भी गए। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रिजॉल्व करने के लिए इसको एक शेड्यूल टू में डाल दिया है, ताकि ये चीज़ें सर्विसेज मानी जाएंगी। आपको इसमें डिस्कस नहीं करना है कि जनरल डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में ये आती है कि नहीं है। ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, पहले तीन और चार जो कंडीशंस हैं, ये डीम्ड सप्लाई की कैटेगरीज में आती हैं और डिक्लेयर्ड सप्लाई कंडीशंस में आती हैं। इसको हम बाद में एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को इंक्लूसिव डेफिनेशन दे करके सप्लाई के डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसी लिस्ट भी बनाई है जो शेड्यूल थ्री में दी गई है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करती है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लिया जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में रहता है, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, आप अपने जो कंपनी का मालिक है या कंपनी को एक सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, तो इस तरीके से उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है अगर आप सप्लाई के देखें। उसी तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई चीज़ सप्लाई कर रही, कोई एक्टिविटी कर रही है जिसमें बाकी सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाइड होती हैं, उसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ नहीं मानेंगे, और इस तरीके से वो हमारी टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि कुछ चीज़ों को सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए और सप्लाई ऑफ सर्विस ना माना जाए, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए सप्लाई ऑफ गुड्स ना माना जाए। बाय एंड लार्ज आप ये मान के चलें कि इसका डिफरेंशिएशन हमारे जीएसटी एक्ट में नहीं किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। जैसे जॉब वर्क होता है, अब जॉब वर्क में आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम कहें तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जा सकता है, और इसी तरीके से आप सर्विस भी देते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस भी कहा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्टिविटीज़ को या तो सर्विस की सप्लाई कह सकती है या गुड्स की सप्लाई कह सकती है। कई बार क्या होता है, हमें डाउट होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएंगी या नहीं आएंगी, और ये कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर खासतौर से अगर सप्लाई ऑफ गुड्स पे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे अलग अलग टाइप का टैक्स हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी होती है कि अगर कोई भी चीज़ को हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं तो उसके लिए उस गुड्स का टाइटल और पोजेशन दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र होनी चाहिए। टाइटल भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, पोजेशन भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब जैसे कि मान लिया कि कोई सामान है, आपने मान लिया किसी को ट्रैक्टर किराए पे दे दिया, साल भर के लिए दे दिया, पाँच साल के लिए दे दिया, लेकिन उसको टाइटल हमने ट्रांसफ़र नहीं किया तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे। उसी तरीके से कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे हायर परचेज हुआ, उस सिचुएशंस में क्या होता है कि हमने पोजेशन तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया तुरंत, और हमने ये भी एग्री कर दिया कि एक समय के बाद में, जैसे कि मान लिया उसने जब सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर दिया, लोन चुकता कर दिया, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो चाहे तो इसको खरीद सकता है, तो हमने टाइटल भी ट्रांसफ़र कर दिया एक फ्यूचर डेट से, तो इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा।
क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल भी है, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन भी है, भले ही टाइटल का ट्रांसफ़र आगे की डेट से हो रहा है, फ्यूचर डेट से हो रहा है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होती है, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, और हमने इंक्लूसिव डेफिनेशन को पढ़ा, सप्लाई के जनरल डेफिनेशन को पढ़ा। और ये सप्लाई का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें जीएसटी टैक्स देना है कि नहीं देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।